गुड मॉर्निंग क्लास, हिंदी की इस रेडियो में सबका स्वागत है। बच्चों आज की इस रेडियो में हम सब कक्षा 6 की पाठ पुस्तक बसंत भाग 1 में पाठ 13 मैं सबसे छोटी हूँ कविता का हम लोगों ने अध्ययन कर चुका है बच्चों। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बच्चों इस पाठ के 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुका था। कविता से जो हमारे प्रश्न बनते हैं, कविता में सबसे छोटी होने की कल्पना क्यों की गई है, हमारा ये पहला प्रश्न था जिसका उत्तर हम लोगों ने लिख लिया था बच्चों कि कविता में छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो घर के सबसे छोटे सदस्य, जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको घर में स्नेह प्यार दुलार सबसे अधिक मिलता है और माँ का उनका ज़्यादा लगाव होता है माँ से ना। इसीलिए इस कविता में बच्ची ने सबसे छोटे होने की कल्पना की है। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा था बच्चों कि कविता में ऐसी बड़ी न हो मैं क्यों कहा गया है, क्या तुम भी हमेशा छोटे रहना पसंद करोगे। तो कविता में ऐसी बड़ी न हो मैं इसलिए कहा गया है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ उन्हें नहलाती है, धुलाती है, हाथ मुँह पोछती है, उन्हें सजाती है, लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं तो माँ उन्हें खिलौने देकर स्वयं खेलने के लिए छोड़ देती हैं और उनकी देखभाल थोड़ा सा कम कर देती हैं। तो इसीलिए इस कविता में जो बच्ची है वो बोल रही है कि ऐसी बड़ी न हूँ मैं, हमेशा वो छोटी रहने की इसलिए बात कर रही है। ठीक है, तीसरा प्रश्न हमारा बच्चों, आशय स्पष्ट करो, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात ना। इस कविता की जो दो पंक्तियां हैं, दो लाइन है, उसमें क्या बोल रहे हैं लेखक उस बच्ची के माध्यम से। वो बच्ची बोल रही है कि माँ जब हम छोटे होते हैं तो हमारे साथ आप हमेशा दिन रात हमारे साथ रहती हैं, लेकिन बड़ा हो जाने पे हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। जब हम बड़े हो जाते तो आप हमारा हाथ पकड़ के दिन रात हमारे साथ नहीं रहती, हमें अकेला छोड़ देती हैं। इस कविता का ये अर्थ था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बच्चों, जो लिखा है अपनी छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं, इस कविता में नज़दीकी की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई हैं। इस कविता को हम लोगों ने पढ़ा तो बच्चे किन किन जगहों अपनी माता के बहुत नज़दीक है उसको बताना है, और छुटपन मतलब होता है बचपन। तो प्रश्न ये लिखें, प्रश्न 4, अपने छुटपन अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं, अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। नज़दीकी की कौन कौन सी विशेषताएं कौन कौन सी स्थितियां बताई गई है। ठीक है बेटा, तो इस कविता में जो माँ है वो किस प्रकार अपने बच्चों से जुड़ाव रखती है, कौन कौन सी स्थितियां आई हैं इस कविता में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे, इस कविता में
सबसे पहली वाली लाइन हम लोगों ने पढ़ा था कि तेरी गोदी में सो मां कभी बड़ी ना हो मां। ठीक है, तो देखेंगे इस कविता में, इस कविता में माँ अपने बच्चे को, माँ अपने बच्चे को, माँ अपने बच्चे को गोदी में सुलाती है। ठीक है, गोदी में सुलाती है। सदा अपने आंचल के साए में, सदा अपने आंचल के साए में, सदा अपनी आंचल के साए में रखती है। सजाना सवारना, सजाना और सजाना सवारना, सजाना सवारना और परियों की कहानी सुनाना, और परियों की कहानी सुनाना, परियों की कहानी सुनाना आदि कार्य, आदि कार्य। ठीक है, आदि कार्य माँ करती है, माँ करती है। ठीक है बच्चों, इन कार्यों से ना, इन कार्यों से बच्चे और माँ की नजदीकी का पता चलता है, माँ की नजदीकी का पता चलता है। ठीक है, इन्हीं कार्यों से इस पाठ में हमें क्या पता चलता है, माँ की नजदीकी का पता चलता है। तो अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नजदीकी की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई हैं, तो इसमें बताया गया ना कि माँ बच्चे को गोदी में सुलाती है और उन्हें खिलाती पिलाती है और धुलाती है, सजाती सवारती है और अपने आंचल के साए में रखती है और परियों की कहानी सुनाती है। इन्हीं सारी कार्यों से क्या पता चलता है, माँ और बच्चे की नज़दीकी का पता चलता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला क्वेश्चन है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, अगला क्वेश्चन है कविता से आगे, कविता से आगे के प्रश्न है। ठीक है, बोल रहा है तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है, ये मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को, तो इसको आप लोग अपने से करेंगे, अपने शब्दों में कि आपकी माँ आपके लिए क्या क्या कार्य करती है, लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न है जैसे,
माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है, क्या क्या काम करती है। ठीक है, तो उत्तर आप लिखेंगे, मेरी माँ मेरे लिए खाना बनाती है, खाना बनाती है। और क्या करती है आप लोगों के लिए, आप लोग अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं, और माँ क्या करती है, स्कूल के लिए तैयार करती है, मुझे स्कूल के लिए तैयार करती हैं, ठीक है, और क्या करती हैं, हम मेरे कपड़े धोती हैं, बहुत सारे कार्य हैं, मेरे कपड़े धुलती हैं, अनेकों कार्य बेटा, ठीक है। तो आप लोग इसे अपने शब्दों में लिखेंगे, कपड़े धुलती हैं और क्या करती हैं, मुझे नहलाती भी हैं, अगर नहलाती तो नहलाती लिखेंगे, मुझे मेरा और क्या लिखेंगे, मेरा देखभाल करती है, मेरा देखभाल करती है, ठीक है। बहुत सारे कार्य आगे देखभाल में, तो आप लोग जितने भी कार्य आपकी माता कर रही है उसको आप लोग लिखेंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है, ये क्यों कहा गया है। तो प्रश्न दूसरा, यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर ठीक है माँ बच्चे को छलती है, माँ बच्चे को ठीक है छलती है, ठीक है। क्यों बोला गया है कि माँ बड़ा बनकर बच्चे को छलती है, जिसका उत्तर लिखेंगे, जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ उनकी देखभाल करती हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ठीक है, तो माँ अपने कामों में व्यस्त हो जाती है, तो माँ अपने कामों में व्यस्त
में व्यस्त हो जाती हैं। ठीक है, हो जाती हैं और बच्चे को खिलौना देकर स्वयं खेलने के लिए छोड़ देती हैं, स्वयं खेलने के लिए छोड़ देती हैं। ठीक है, तब बच्चे को क्या लगता है, और परियों की कहानी भी नहीं सुनाती और परियों की कहानी भी नहीं सुनाती। ठीक है, और परियों की कहानी भी नहीं सुनाती तब बच्चे को लगता है कि माँ उन्हें ठीक है छलती हैं। तब बच्चे को क्या लगता है कि माँ उन्हें छल रही हैं या छलती हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये हमारा अगला प्रश्न है। पहले हम लोग देखते हैं कि तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है। इसका प्रश्न उत्तर आप लोग अपने से लिखेंगे, अपने शब्दों में लिखेंगे। और अगले प्रश्न का उत्तर होगा, यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है, क्यों कहा गया है। तो यह जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ उनकी देखभाल करती है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ अपने कामों में व्यस्त हो जाती हैं, बच्चे को खिलौना देकर स्वयं खेलने के लिए छोड़ देती हैं और परियों की कहानी भी नहीं सुनाती। तब बच्चे को लगता है कि माँ उन्हें छलती हैं। ठीक है, तब बच्चे को क्या लगता है कि माँ उन्हें छलती हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है तीसरा, उन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में माँ अपनी छोटी बच्ची या बच्चे के लिए करती हैं। इस प्रश्न का उत्तर हम लोग अपनी कल की वीडियो में करेंगे बच्चों, लेकिन आज हम इसका उत्तर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे उन क्रियाओं को गिनाना है, उन कार्यों को बताना है जो इस कविता में आए हैं और माँ अपनी छोटी बच्ची या बच्चे के लिए करती है। तो कौन कौन सी क्रियाएं आई हैं। पहले क्या आया था कि माँ अपने बच्चे को आंचल की साय में सुलाती हैं और माँ अपने बच्चों को खाना खिलाती हैं, उनका मुंह पोछती हैं, उन्हें सजाती हैं और परियों की कहानी भी सुनाती हैं। ठीक है, ये सारे कार्य जो इस कविता में आए हैं, क्रियाएं जो हुई हैं उनको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए अनुमान और कल्पना के प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। पहला प्रश्न है हमारा, इस कविता के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखाने की बात क्यों कर रहा है। चांद के उदित होने की कल्पना करो और कक्षा में बताओ। तो कवि ने चंद्रमा यानी चंद्रोदय की बात क्यों की है। आप जानते होंगे जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें बहुत लगाव होता है चांद, सूर्य, चंद्र, सितारे और चंद्रमा को। वो क्या बोलते हैं, चंदा मामा। तो मामा किसे बोलते हैं, माँ के भाई को। तो उनको लगता है कि जो मेरी माँ है वो सब कुछ मानते हैं, उनको लगता है कि जो मेरी माँ है वो हमारे लिए सब कुछ कर सकती है। माँ को वो सबसे बड़ा और सबसे आगे मानते हैं। वो सोचते हैं कि माँ एकदम चमत्कार भी कर सकती है, क्योंकि उनको नहीं पता होता है, बच्चे होते हैं वो, लेकिन माँ से उनको ज़्यादा लगाव होता है और माँ उनका हर ख्वाहिश पूरा करती है। तो उनको लगता है कि उनकी जितनी भी चीज़ें हैं जो भी वो बोलेंगे माँ उनको पूरा कर देगी। इसलिए वो माँ से कभी कभी डिमांड भी करते हैं कि मुझे सूर्य के चंद्रमा चाहिए, मुझे सितारे अच्छे लगते हैं, सितारे ला के। तो वो सब भी डिमांड कर देते हैं मांगने के लिए।
और चंद्रमा का सीधा कनेक्शन होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, देखो चंदा मामा आएंगे, दूध कटोरी में खीर लेके आएंगे, खिलाएंगे, तो बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उनको लगता है कि चंद्रमा जो है वो हमारे घर के सदस्य हैं, हमारे मामा लगेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कवि ने चंद्रोदय शब्द लाया है कि बच्चों का चंद्रोदय शब्द से सीधा जुड़ाव और लगाव है, इसीलिए जो बच्ची बोल रही है कि ऐसा ही मुझे कोई चंद्रोदय दिखा दे, चंद्र का उदय यानी चंद्रमा का उगना। तो चंद्रमा शब्द इसीलिए कवि यहाँ पे लाए, क्योंकि सीधा ये कनेक्शन जुड़ाव होता है बच्चों का चंदा मामा से ना, इसीलिए चंद्रोदय की बात की गई है। इस प्रश्न का उत्तर हम लोग कल अपनी वीडियो में करेंगे बच्चों, तब तक आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।